नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुराग। नमस्कार, मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी की एंट्री से जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले सीएम ने मालदा में चुनाव रैली को संबोधित किया। हर मुद्दे पर बात, भगवान श्री राम से लेकर देश की सुरक्षा तक पर सीएम योगी की हुंकार ने ममता खेमे में खलबली मचा दी। मालदा से सीएम योगी ने हुंकार भरी है। तो मालदा की रैली में सीएम योगी ने ममता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में राम के नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं होता, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए क्या कुछ कहा। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं। तो आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो राम द्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। इतना ही नहीं, योगी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का भी जिक्र किया और कहा कि ममता अच्छी तरह जानती हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों का क्या हाल हुआ। फिर भी ममता संभल नहीं रही हैं, ये बात भी उन्होंने कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं, लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल पर दुर्गा पूजा को लेकर सियासत का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ममता सरकार ईद बकरीद मनाती है लेकिन दुर्गा पूजा के लिए प्रपंच किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती है, और मालदा से इस वक्त हमारे सहयोगी भवानंद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। भवानंद, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर एक पहलू को छुआ, करारा प्रहार किया ममता बनर्जी पर, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का सीएम योगी की रैली के बाद? देखिए, जितना उत्साह हम लोगों को देखने को मिला इस रैली के बाद, जितना यहाँ पर आदमी का जमावड़ा था, जितना समर्थकों का जमावड़ा था, सब में बहुत उत्साह था। जो योगी जी ने यहाँ पर आके बताया एक एक मुद्दे का ऊपर, हर एक जितना समर्थक था सब उत्साहित थे, सब योगी जी का नारा लगा रहे थे, सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इससे पूरा एकदम साफ है, जो यहाँ का समर्थकों ने उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद उन लोगों का खरा उतरा, और यहाँ पर राम का नाम और जोर से सब कोई ले सकता है, हिंदुत्व का बात हर कोई बता सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का कोट करके योगी जी ने बताया, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। जब ये बात उन्होंने बताया तब हम देख रहे थे कितना उत्साह समर्थकों में भर रहा था, और उसके यही सिर्फ नहीं, बंगाल में जो सब केंद्रीय सरकार का जो सब यहाँ पर प्रकल्प है वो प्रकल्प जो चालू नहीं हो रहा है। भवानंद, आपने जो कहा वो तस्वीरों में देखने के लिए भी मिला है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी ने लव जिहाद को लेकर
जो बातें कही उसमें यह कहा कि देश के लिए यह खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे छल कपट से धर्म बदलने की साजिश रची जा रही है और बंगाल सरकार इस समस्या पर मां को आंखें मूंद कर बैठी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वहां यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। और सीएम योगी ने बंगाल में अराजकता को लेकर भी ममता पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में हर तरफ हिंसा का माहौल है। यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई राम नहीं लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मुख्यमंत्री योगी ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है यहां की सरकार विरोध करती है लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार फिर बना जाती है। यहाँ की सरकार घुसपैठियों अवैध घुसपैठियों के साथ में है उसको यहाँ की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं और यही कारण है कि यहाँ की सरकार केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ यहाँ के नागरिकों को देने में पूरी तरह फेल है। भवानंद हमारे सहयोगी मालदा से उसी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कि योगी आदित्यनाथ जहां पर सभा कर रहे थे। भवानंद, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों को कहा, बंगाल में हिंसा का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, घुसपैठ का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, यानी कि हर उस मुद्दे पर उन्होंने टीएमसी को निशाने पर रखा जहाँ टीएमसी के लूपहोल्स पता चलते हैं और शायद ये बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा भी करे। एकदम सिर्फ ये नहीं अनुराग जी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जहां यहां पर आके इस ग्राउंड में जहां पर इतने सारे समर्थक थे वहां पर आके इतना सारे बात कहा, उसका अंदर सबसे अहमियत वाला बात ये भी उन्होंने कहा था कि जो सब टीएमसी के गुंडे लोग हैं जो यहां पर आके इतना अत्याचार कर रहे वो लोग सुन लो, आप लोगों को यहाँ बीजेपी का सरकार आएगा तब 24 घंटे का अंदर आपको मोहल्ला मोहल्ला में जाके माफी मांगना पड़ेगा। मतलब ये एक चेतावनी भी है और ये चेतावनी देके यहाँ का जनता का मन शायद छू गए योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि समर्थक जितने थे ये सब बात के ऊपर बहुत सारे उन लोग उत्साहित थे और उन लोग का उत्साह हम लोग पूरा नजर में आ रहा था अनुराग जी। बिल्कुल, और वो तस्वीरें लक्ष्मी हमने खास तौर पर देखी भी जब पूरा जो मैदान था वो टकटकी लगाए योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मालदा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया तो सी डबल ए के मुद्दे को उठाया जिसको लेकर लगातार ममता सवालों के घेरे में रही है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं सिखों बौद्धों जैनियों ईसाइयों इन सब के संरक्षण इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाने की बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों?
इधर मुख्यमंत्री योगी ने ममता सरकार पर देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ की सरकार ने उस प्रकार की सोच ही पैदा नहीं होने दी, ये विकास में रुचि नहीं लेना चाहते और विकास के साथ, विकास में तो रुचि नहीं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकारण सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बंगाल के भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप देख रहे हैं गंगा मैया तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा मैया तो भारत की एकात्मता की एक बहुत पवित्र धारा का एहसास हम सबको कराती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम सब को जोड़ती है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को तो बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और साथ साथ गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जब टीएमसी की सरकार सुश्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विफल हो चुकी है, तब उनके द्वारा तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप पल्ला किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति इस तेजी के साथ आपा खो दे, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार की वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ये बंगाल का अपमान है, बंगाल के नागरिकों के साथ धोखा है। मित्रों, 500 वर्षों से हर भारतीय जनमानस की अभिलाषा थी, अभिलाषा थी जिसके लिए बंगाल से भी कार सेवा करने के लिए हजारों नौजवान गए थे। श्री राम कोठारी और शरद कोठारी के बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटाने के लिए अपना बलिदान दिया था और आज उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार किया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार भवानंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानंद, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम मालदा की बात कर रहे हैं जहां की रैली के लिए, सबसे पहली चुनावी रैली के लिए इस जगह को योगी आदित्यनाथ के लिए चुना गया। यहां पर जाहिर है कि 50 से 51% वोट मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है। पिछली बार 2 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, इस बार जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए एक बात तो साफ है कि इस बार यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में मालदा के 12 असेंबली है और 12 में से लोकसभा चुनाव में 10 असेंबली में बीजेपी को बढ़ोतरी था और इसी जगह को देखते हुए बीजेपी का कार्यकर्ता मालदा के ऊपर जो नजर दे के रखा हुआ है, ये तो साफ है कि मालदा से वो लोग भारी संख्या में सीट लेके वो लोग विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं और भारी संख्या में सीट उन लोग हासिल होगा, ये उम्मीद उन लोग का है। और इस उम्मीद के ऊपर आज सबसे जो आशा जगा दिया है योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस मालदा में आके संबोधित किया और समर्थकों में जितना हम लोग उत्साह देखे उससे ये साफ होता है जो बीजेपी सोच रहा है शायद वो मालदा से वो लोग करके दिखाएगा और उतना उत्साह लेके यहाँ से सारे बीजेपी का कार्यकर्ता जो है चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या ये समझा पाएंगे कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर इस रैली का प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए जैसे कि हम यहाँ पर हम लोग का जो करस्पोंडेंट है रणजय सिंह उनसे हम बात कर रहे थे तो रणजय हम लोग को बता रहा था कि यहाँ पर मालदा के 12 में से 10 सीट तो उन लोग को मिलना ही मिलना है। जैसे बीजेपी का यहाँ पर जितना संख्यक भारी समर्थक आया हुआ था ये लोग पूरा मालदा से नहीं आया हुआ था मगर उत्तरी मालदा का जो लोकसभा एरिया है वहाँ का ज़्यादातर आदमी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे मगर यहाँ से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा ये तो यहाँ का हम लोग का जो लोकल करस्पोंडेंट है वो बता रहा था और कम से कम 10 सीट बीजेपी को जो यहां का लोकल नेतृत्व है और राज्य नेतृत्व है इन लोग उम्मीद कर रहा है और उसका इफेक्ट तो हम लोग को इस मंच का पर जो संबंधित हुआ सभा इस सभा का रैली में पता चल गया। अनुराग भवानंद हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी कि सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी एक बार फिर से वही संकल्प दोहराते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ करके बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दर्शन करके बंगाल को बचाने और भारत बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के सावधान के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नेशनल प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अगर बंगाल का व्यक्ति बंगाल के अंदर चाहे तो बंगाल के अंदर और अगर उसकी मर्जी आए तो वहां देश के अंदर जहां कहीं रहता है राशन कार्ड से राशन लेने का लाभ ले सकता है। लेकिन टीएमसी की सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी को यहां लागू ही नहीं करने दिया जिससे बंगाल के नागरिकों को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। केवल चंद टीएमसी के गुंडे खाद्यान्न घोटाले में लिप्त होकर के यहां के नागरिकों के खाद्यान्न को हजम करने का कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है। तो विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा और इसके बाद अब किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आती है टीएमसी की ओर से, ये देखने वाली बात है। भवानंद आपका बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं जल्द।